क्या बात है अम्मी, बहुत खुश नजर आ रही हूँ। बेटा, मेरा तो हर गम हर खुशी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन मैं तो ना खुश हूं और ना ही गमगीन। तुम्हें पता नहीं है ना, हालात किधर जा रहे हैं, वक्त कौन सी करवट ले रहा है। लेकिन वक्त तो पानी की तरह बहता है, किसी बेजार आदमी की तरह करवटें नहीं बदलता। नहीं, वो ये देखता है कि कौन खुश है और कौन गमगीन। बेटा, मायूसी गुनाह होती है, और तुम्हें तो सब्र का फल मिलने वाला है। हिमा, आप बेटा हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो नूर की बात याद आ गई थी मुझे। वो कहा करती थी कि सब्र एक बांझ दरख्त है, उस पर फल लगता ही नहीं। सब्र करने वालों को हमेशा आगे बढ़कर छीन लेने वालों का ही बचा कुचा खाना पड़ता है। बकवास करती है बेटा, सब्र करने वालों को मनचाहा फल मिलता है। हर तुम्हारी फूफो तुम्हारा रिश्ता लेकर आना चाहती है। उसका मतलब है नूर बिल्कुल सच कहा करती थी। ए, नूर को छोड़, तुम अपनी बात करो। मैं अब जुनैद से शादी नहीं करना चाहती। बेटा, जुनैद बहुत शर्मिंदा है। उसकी शर्मिंदगी मेरी महरूमियों का अजाला नहीं कर सकती। क्या मतलब? क्या तुमने जिंदगी भर शादी ना करने का फैसला कर लिया? मैंने ऐसा कब कहा मैं? हाँ तो बेटा, जब शादी करनी ही है तो उससे करो जिसे तुम चाहती हो। सॉरी अम्मी, मैं भूखी रह सकती हूँ मगर किसी का बचा कुचा खाना पसंद नहीं करती। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर यही हालात रहे तो वो खुदा ना खास्ता नशे की लत में पड़ जाएगा। माँ भी है जो उसे इस गुमराही के रास्ते पे जाने से बचा सकती है।